हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनी की रेसिपी। तो आज मैंने बनाई है जलेबी, और इस जलेबी को मैंने इंस्टेंट बनाया, यानी तुरंत बैटर घोला और तुरंत बना के तैयार कर लिया। बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है, 10 मिनट लगे मुझे इसे बनाने में, और बहुत अच्छी बनी थी। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करिए। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 कप शक्कर ली है। तो हम सबसे पहले चाशनी बनाएंगे, तो 1 कप डाल दी है, और ये आधा कप, जितनी शक्कर ले उतना आधा उसका पानी ले। तो यहाँ मैंने 3/4 कप पानी डाल दिया है, और रख देंगे गैस पे। और हम सबसे पहले शक्कर घोल लेते हैं, और शक्कर घोलने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो हमें 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्की सी चिपचिपी सी और हल्की सी गाढ़ी सी रखनी है। इसमें मैं डाल रही हूँ फूड कलर, और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये चाशनी बहुत जल्दी बन जाती है, 5 मिनट बन के तैयार हो जाती है। और देखिए चेक कर लेते हैं, तो देखिए ये चिपचिपी सी है, गाढ़ी सी, हल्की सी चिपचिपी सी, तो ये परफेक्ट है। तो गैस की फ्लेम कर देंगे हम ऑफ। अब हम बनाएंगे जलेबी का बैटर। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे 1 कप मैदा और 1 चम्मच घी, और इसी में डालेंगे हम इनो का 1 पैकेट। तो 1 पूरा पैकेट डाल देंगे, और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसलते हुए। और मिक्स हो गई हैं, अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और इसका बैटर बना लेंगे जलेबी जैसा गाढ़ा गाढ़ा। तो बना लेते हैं, ये देखिए ये एकदम केक जैसा बैटर, ये देख सकते हैं आप, रिबिंग की शेप में गिर रहा है। और इसको घोलते वक्त मुझे ना 1/2 कप पानी लगा था, और यहाँ मैंने 1 दूध का पैकेट लिया, उसमें हम डाल देंगे बैटर। अगर आपके पास पाइपिंग बैग हो तो आप उसमें भर लें बैटर को, और इसे राउंड शेप करके हम इसको नीचे से कट कर लेंगे। फ्लैट पैन में तेल गरम करने रखा था, तो उसमें हम जलेबी बना लेंगे। तो बना लेते हैं, और हाई फ्लेम पर ही इनको हम फ्राई करेंगे, डालते वक्त हाई फ्लेम पर, और फिर जब डल जाए तब उसके बाद हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे एकदम, और ये बहुत जल्दी सिक जाती हैं, तो पलट देंगे। अभी फर्स्ट टाइम डाला है ये, इसलिए ये थोड़ी शेप में अच्छी नहीं बनी, लेकिन जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे इससे जलेबी का शेप अच्छा होता जाएगा, और ये बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत अच्छी रेसिपी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये मैंने निकाल ली है, अब हम दोबारा बनाएंगे। अब ये हल्की सी ठंडी हो जाएंगी, फिर हम इसे चाशनी में डालेंगे। तो 2-3 मिनट का रेस्ट करके चाशनी में डाल देंगे, फिर निकालते जाएंगे। तो मैं फिर से बना ले रही हूँ। तो ये वाली सीख गई हैं, तो हम इन्हें निकालेंगे। उससे पहले हम जो हमने पहले सीखी थी वो चाशनी में डाल देते हैं। तो इन्हें पलट देख देंगे पहले, पलट दी हैं, अब जो पहले वाली वो हम डाल देंगे चाशनी में। तो चाशनी में एब्जॉर्ब होने देंगे 1 मिनट तक। तो डाल देते हैं, इसी प्रोसेस से हम सारे बैटर की जलेबी बना लेते हैं। तो देखिए हमने सारे बैटर की जलेबी बना के तैयार कर ली हैं, और ये कितनी सारी बनी हैं, तो हम इन्हें कर लेते हैं सर्व। तो हमने जलेबी को कर लिया है सर्व, और ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, और इनके अंदर बहुत अच्छा रस भर गया था। ऐसा नहीं है कि ये जल्दी बनाई है तो कड़क कड़क सी थी, नॉर्मल जलेबी जैसी ही थी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, और कैसी बनी अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट में शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी प्लीज़ कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।